हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका वेलकम है हमारे यासर अली क्लासेस में। और एंशियंट हिस्ट्री का आज हम लेकर आए आप लोगों के लिए सेकंड पार्ट। जैसा कि आप जानते हैं बेटा, एक पार्ट एंशियंट हिस्ट्री का पहला पार्ट आ चुका है और उसमें हमने कवर करा था कि किस तरीके से हिस्ट्री में जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आते हैं, किस तरीके से एंशियंट हिस्ट्री आपके शुरू होती है, उस चीज को हम अपने पहले लेक्चर में लेके आए थे। और पहले लेक्चर में हमने पूरा एंशियंट हिस्ट्री की बेसिक को समझा, कहां से आपके एंशियंट हिस्ट्री शुरू होती है। और उसके बाद हमने एक मेन टॉपिक भी अपना कवर करा था, इंडस वैली सिविलाइजेशन। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था जो हमने प्रीवियस लेक्चर में अपने कवर करा था। और आज हम लेकर आए अपना सेकंड पार्ट जिसमें हम पढ़ेंगे वैदिक एज और वैदिक एज के जो जो सोर्सेज हैं, और इसके अलावा एंशियंट हिस्ट्री के जो जो सोर्सेज हैं, मतलब किन किन चीजों से हमें एंशियंट हिस्ट्री के बारे में पता चलता है, आज हम उन चीजों को भी कवर करेंगे। सो बेटा, एज पर दी प्रॉमिस आपके लिए कंटिन्यू वीडियोस आएंगी, और इसी लेक्चर के बीच में आपके लिए एक सरप्राइज भी है, तो उस सरप्राइज को आप लोगों को बताया जाएगा। बिल्कुल लास्ट तक वीडियो में बने रहिए, आपके प्रिपरेशन को बेहतर से बेहतर करने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट सरप्राइज लेकर के आए। तो देखते हैं कौन कौन से स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ पर जुड़े हुए हैं। यस, तो एक बार कमेंट में बेटा अपनी प्रेजेंस को जरा दर्ज कर दीजिए। वालेकुम सलाम शिबा, अयाना वालेकुम सलाम, अदीबा रा राशिद वालेकुम सलाम, मेहरोज वालेकुम सलाम। यस, अलीना वालेकुम सलाम, खान मुबशिर वालेकुम सलाम, खैरियत से हैं सर? अलहमदुलिल्लाह बेटा, कल संडे था मुबशिरा, कल संडे था बेटा, तो इसलिए कल क्लास नहीं हुई थी। कल आपके और चीजों पे काम करा जा रहा था, जैसे आपके टेस्ट हैं और दूसरे यू नो इम्पोर्टेंट नोट्स है, कल उस पर काम करा जा रहा था। ठीक है, तो इसलिए बेटा कल क्लास नहीं थी। संडे में आपकी क्लास नहीं रहेगी, संडे में आपके लिए कुछ और हम लेकर के आएंगे। जैसे आपके लिए एक वीडियो आई थी आज, ठीक है, ऐसी इंपॉर्टेंट चीजें जो है वो आपके संडे के लिए है बेटा। वालेकुम सलाम आफरीन परवेज, उम्मे अभी, वालेकुम सलाम संजीदा, जल्दी बेटा आपके लिए बीकॉम की क्लासेस भी आएंगी। जी उम्मे अबीबा, नहीं नहीं रोज एक दिन गैप नहीं होगा बेटा, कंटिन्यू आपके लिए बीए की क्लासेस आएंगी। बीए के अलावा जो फर्दर कोर्सेज हैं उनपे भी बेटा काम हो रहा है, उनपे भी आपके लिए क्लासेस आएंगी। ठीक है, पूरे लेक्चर्स आपके लिए आएंगे, जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो सब लाइव क्लास में आपके कवर करवाए जाएंगे। शिव अख्तर वालेकुम सलाम, बेटा कैसे हैं आप सब लोग, रमजान कैसे जा रहे हैं आपके? वालेकुम सलाम अक्सा। यस, तो जितने भी बेटा इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, वेदर इट इज फ्रॉम द हिस्ट्री, फ्रॉम द ज्योग्राफी, जीके जीएस, और जितने भी फर्दर आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो सब कवर करवाए जाएंगे। वाईएससी पे पूरे आपकी प्रिपरेशन करवाई जाएगी लाइव क्लास में ही। उसके अलावा फर्दर आपको और बेनिफिट्स के लिए बेटा आप हमारे ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों कोर्सेज को परचेज कर सकते हैं। जी करंट अफेयर्स भी करवा देंगे। जी मैं अभी वह, यस संजीदा, ओबीसी जनरल स्टूडेंट्स में, यस बेटा, 5 मार्क्स का आपका एक डिफरेंस रहता है। पहले मैं आपको बता दूं, देखिए बेटा कुछ आपके कैटेगरीज होती हैं जिनका आपको डायरेक्टली बेनिफिट पहुंचता है, जैसे आप एसटी एससी ओबीसी से बिलोंग करते हैं, यस उनका, तो ओबीसी में बेटा आपका 5 मार्क्स का आपको लीनियंसी मिलती है। जैसे सपोज करिए किसी के 65 है और इफ यू आर फ्रॉम दी ओबीसी कैटेगरी तो आपका 60 पे होने का चांसेस है, 5 मार्क्स की आपको लीनियंसी वहां पर मिलती है। मैं ठीक हूं, सॉरी उम्मे हबीबा, आई हैव नो आइडिया, मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि आज आपका बर्थडे है, तो नो इश्यू, अभी मैंने विश नहीं करा आज, बट अभी हम विश करेंगे और जो भी कोई हमारे स्टूडेंट्स है वो भी आपको करेंगे। सो प्लीज एक बार उम्मे हबीबा को बर्थडे विश कर दीजिए। टुडे इज द बर्थडे ऑफ उम्मे हबीबा, शी इज आवर ऑफलाइन स्टूडेंट और ये बहुत सिंसियर है अपनी पढ़ाई को लेकर, कई टेस्ट में ये फर्स्ट आती है और बहुत सिंसियर है, तो सब लोग उम्मे हबीबा को एक बार विश कर दीजिए कमेंट में।
लाइव चैट में। जोया वालेकुम सलाम, समीन वालेकुम सलाम, अल्फावे सैयद वालेकुम सलाम। राइटर्स की डेट ऑफ बर्थ याद करनी है, इंपॉर्टेंट। जी जी आलिया करनी है आपको, ये सब आपको करना है। तो सब उम्मे हबीबा को विश कर दीजिए, गुड उमरा। यस सो जल्दी से बेटा अपने लेक्चर को हम शुरू करते हैं। अब एक बार मैं भी विश कर देता हूं, हैप्पीएस्ट बर्थडे टू दी उम्मे हबीबा। अल्लाह आपको बहुत कामयाब करे, बहुत खुश रखे, और आपको जो आपकी जो विशेज है वो पूरी करे। और आपकी इसमें सबसे पहली विश आपका एंट्रेंस विद रैंक, आप एमयू एंट्रेंस को क्रैक करें और बाइज्जत आप एमयू में बीए में पहुंचे। जी चलिए। सो जैसे कि बेटा जानते हैं आप लोग, हम एंशियंट हिस्ट्री का एक पार्ट ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। हमने एंशियंट हिस्ट्री को समझा किस तरीके से, सबसे पहले तो बेटा हमने हिस्ट्री को समझा कि हिस्ट्री क्या होता है, और हिस्ट्री में जो फादर ऑफ द हिस्ट्री है हेरोडोटस, उनके बारे में हमने पढ़ा। फिर हमने हिस्ट्री के बायफर्केशन पढ़े, एक हमने इवेंट के बेसिस पे हिस्ट्री को बायफर्केट करा, ठीक है। एक हमने सोर्सेज, और सोर्सेज में भी हमने राइटिंग के बेसिस पे हिस्ट्री को डिवाइड करा। तो बेटा हमने स्टोन एज को पढ़ा, उसके अंदर जो अलग अलग पीरियड होते हैं, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक, इन तीनों को कवर करा। और इसके अंदर फिर हमने प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री, तो प्रोटो हिस्ट्री में जो मेन टॉपिक आता है इंडस वैली, हमने उसको कवर करा। और इसके अलावा आज हम कवर करेंगे वैदिक एज। वैदिक एज आपके वो टाइम पीरियड में आता है जिसमें आपकी मेनली हिस्ट्री शुरू होती है, मतलब जिसके आपके पास रिटन सोर्सेज भी है। तो आपको थंबनेल से पता चलता है कि हम वैदिक एज और सोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे। उसके जो जितने भी सोर्सेज हैं हमें सब पता है, सब हम डिसाइफर कर चुके हैं, सबकी नॉलेज हमारे पास है, तो इसीलिए ये मेन हिस्ट्री का टॉपिक है। यहां से कई सारे क्वेश्चंस आपके बनते हैं, मैं आपको बताऊंगा कि एमयू पीवाई क्यूज में वैदिक एज से आपके कितने क्वेश्चंस आए। तो बेटा देर ना करते हैं, अब आपका लेक्चर शुरू होता है। यस सो हिस्ट्री इज मेनली डिवाइडेड इंटू टू पार्ट। एक बार फिर से हिस्ट्री को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट इज द इंडियन हिस्ट्री और सेकंड इज द वर्ल्ड हिस्ट्री, ठीक है। एक तो वो हिस्ट्री होती है अबाउट द इंडिया, जो हमें इंडिया के बारे में बताती है, जैसे एंशियंट में जो जो लोग इंडिया में आए, जो जो ट्राइब्स इंडिया में आए, ठीक है। फिर उसके बाद मेडिवल में जो 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 लोग इंडिया में आए, मतलब पहले हम लोग हिस्ट्री को जो पढ़ेंगे वो इंडिया के बेसिस पढ़ेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ इंडियन हिस्ट्री। तो इंडियन हिस्ट्री भी तीन पार्ट में डिवाइड है नॉर्मली आपके, एक आपके एंशियंट हिस्ट्री, सेकेंड इज द मेडिवल या मेडाइवल हिस्ट्री, एंड द थर्ड वन इज मॉडर्न हिस्ट्री। इसके हिसाब से देखा जाए आपके फिर आता है वर्ल्ड हिस्ट्री। वर्ल्ड हिस्ट्री में अलग अलग रीजन्स की बात होती है, अलग अलग कंट्रीज से बात होती है, हिस्ट्री का जो जो कॉन्सेप्ट रहे पूरी दुनिया में, चाहे वो फ्रांस की बात हो रही है, वहां पर फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में आप पढ़ेंगे, नेक्स्ट अमेरिका, अमेरिकन रेवोल्यूशन के बारे में बात करेंगे, ठीक है, अफ्रीका के बारे में बात करेंगे। तो ये आपके वर्ल्ड हिस्ट्री का पार्ट है, ठीक है। सोर्सेज बेटा मैंने पहले ही बताया था कि हिस्ट्री के बारे में जब कभी हम स्टडी करते हैं, जब कभी हम हिस्ट्री की पढ़ाई करते हैं बेटा, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल जो प्ले करते हैं वो करते हैं सोर्सेस। सोर्सेस मतलब वो जरिए जिनसे आपको हिस्ट्री के बारे में पता चलता है, और हिस्ट्री में हम ज्यादातर चीजों को समझ पाते हैं, ज्यादातर चीजों की स्टडी कर पाते हैं। तो उसी में बेटा हमारे सोर्सेस हैं दो। सबसे पहला सोर्सेस आता है आपका लिटरेरी सोर्सेस। कल भी मैंने बताया था लिटरेरी सोर्सेस वो सोर्सेज होती है जो रिटन फॉर्म में होते हैं, जो राइटिंग के फॉर्म में होते हैं, मतलब वो लिखी हुई चीजें जो हमें पास के बारे में बताती हैं, वो हमारा लिटरेरी सोर्सेज में आता है। नेक्स्ट हमारा आता है आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में। तो लिटरेरी सोर्सेज में आपके दो तरीके के सोर्सेज आते हैं, एक आपके रिलीजियस सोर्सेज आते हैं, मतलब रिलीजियस रिटन लिटरेरी सोर्सेज आते हैं, मतलब जो धार्मिक किताबें रही हैं, जो अलग अलग धर्म आते रहे उन्हीं धर्मों में जो अलग अलग किताबें आई, जिनसे हमें उन टाइम पीरियड के बारे में, उन रूलर्स के बारे में, वहां की इकोनॉमी, पॉलिटी, ठीक है, और सोशली सोसाइटी कैसे होती थी, इन सब के बारे में पता चलता है। तो बेटा रिलीजियस में जो हम सबसे पहले देखेंगे वो देखेंगे वेदास, फिर वेदांग, पुराणास, ब्राह्मण्स, बुद्धिस्ट लिटरेचर, फिर उसके बाद जैनिज्म लिटरेचर, ठीक है। हिस्टोरिकल में हम बेटा अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट चीजों को देखेंगे, मतलब हिस्टोरिकली जो बुक इंपॉर्टेंट है, जो अलग अलग रूलर्स लेके आए, जो अलग अलग फॉरेन ट्रेवलर्स लेके आए। जी हाँ बेटा, इंडिया में बहुत सारे बाहर के लोग भी आए थे अलग अलग टाइम पीरियड में, अलग अलग रूलर के साथ अलग अलग लोग आए, जैसे कि आप बात कर सकते हैं मार्को पोलो की,
जैसे आप बात कर सकते हैं इब्न बतूता की, फाहियान की आप बात कर सकते हैं, हुईन सांग की आप बात कर सकते हैं, तो ये सब बेटा आपका हिस्टोरिकल स्क्रिप्ट्स में आएगा। ठीक है, आर्कोलॉजिकल में मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, इसमें कॉइन की स्टडी होती है, इसमें आपके अलग अलग टूल्स, अलग अलग मॉन्यूमेंट्स, इंस्क्रिप्शंस, इन सब की स्टडी होती है। यस, तो हिस्टोरिकल सोर्सेस को भी हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है, एक हमारे इंडियन बेसिस पे, मतलब इंडिया के जो रूलर्स रहे वो जो हिस्टोरिकल बुक्स लेके आए उनसे हमें हिस्ट्री के बारे में पता चलता है, एक हमारा फॉरेन ट्रेवलर्स, ठीक है, फॉरेन ट्रेवलर्स जैसे मैंने अभी बताया जो बाहर के लोग इंडिया में आए उनके बारे में, ठीक है, जैसे ग्रीक रोमन राइटर्स आए थे, चाइनीज आए थे, अरबिक राइटर्स आए थे और यूरोपियंस आए थे। ठीक है, तो सबसे पहले हम वेदा की बात करते हैं, यहां से आपके वैदिक एज शुरू होती है। तो वेदा बेटा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहां से कई सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर बीए में बने। ठीक है, तो उन्हीं सब कॉन्सेप्ट को आज कवर करवाया जाएगा बेटा। फर्स्ट थिंग, रिटन ओवर 3000 ईयर्स अगो, आज से लगभग लगभग देखा जाए 3000 साल पहले वैदिक एज आपके शुरू हो चुकी थी, वेदास आपके लिखना शुरू हो चुके थे। वेदास बेटा जो थे वो आपके ब्राह्मिकल लैंग्वेज में थे, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वेदास आपके ब्राह्मिकल लैंग्वेज में थे और वेदास की लैंग्वेज थोड़ी मुश्किल होती थी, ब्राह्मिकल लैंग्वेज आपके एडवांस लेवल की संस्कृत होती है बेटा, जिसको हर एक कोई नहीं समझ सकता था। ठीक है, तो ये चीज याद रखिएगा, वेदास जो थे वो ब्राह्मिकल लैंग्वेज में थे और वो आपके एडवांस संस्कृत पे बेस्ड थे। ओके, द वर्ड वेदा मीन्स, वेदा का मतलब क्या होता है, तो बेटा वेदा का मतलब जो होता है वो होता है नॉलेज। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट, आर्यंस आर द पीपल हु रीड एंड राइट। अब बेटा यहाँ पर थोड़ी इंपॉर्टेंट बात है समझने वाली, कल जब मैंने इंडस वैली आपको पढ़ाया था, इंडस वैली का डिक्लाइन जब मैंने आपको पढ़ाया था, तो उसमें एक इंपॉर्टेंट रीजन मैंने ये भी बताया था कि इंडस वैली किस तरीके से डिक्लाइन हुई, तो उसमें अराइवल था बेटा आर्यंस का। आर्यंस कौन थे, आर्यंस कौन थे, तो ये आपको बेटा समझना है, ये मैं आपको थोड़ा यहां समझाने की कोशिश करता हूं। यस सॉरी, यस, सो आर्यंस बेटा वो लोग थे जो आप याद रखिएगा जो सेंट्रल एशिया से इंडिया में आए थे। सेंट्रल एशिया एक बहुत इंपॉर्टेंट लोकेशन है, अगर हिस्टोरिकल पर्पस से देखा जाए, हिस्टोरिकल कॉन्सेप्ट से अगर देखा जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सेंट्रल एशिया। तो यहां पे थोड़ी सी चीज आप समझ लीजिए कि सेंट्रल एशिया जो था बेटा, सेंट्रल एशिया यहां पर एक जगह पड़ती है, वो जगह पड़ती है एल्प माउंटेन के पास, एल्प माउंटेन के पास। तो यहीं के जो ट्राइबल थे, यहीं के जो ट्राइबल लोग थे, या फिर आप नोमैडिक लोग कह सकते हैं, जो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं इन सर्च ऑफ लाइवलीहुड, फूड, वाटर, ठीक है, शेल्टर, इनके नहीं है, वो नोमैडिक लोग होते हैं, ट्राइबल लोग होते हैं, जो अपने रिसोर्सेज की तलाश में अपने जानवरों के साथ, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करते हैं। तो ठीक है बेटा, तो एल्प माउंटेन वो जगह थी जहां से आपके आर्यंस का अराइवल हुआ, जहां से आपके आर्यंस का अराइवल हुआ, और ये वही आर्यंस से जो एल्प माउंटेन से आपके इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे आए, जिन लोगों ने आके नॉर्थ इंडिया वाला एरिया कैप्चर करा, नॉर्थ इंडिया वाला जो एरिया था उसको इन्वेड करा। तो ऑब्वियस सी बात है, जब वहां इंडस वैली सिविलाइजेशन होगी, जब दूसरे लोग वहां रहने के लिए आएंगे, तो बेटा वहां पे क्लैशेस रहेंगे, वहां पर लड़ाइयां रहेंगी। तो ये चीज याद रखिए, वेदास को कौन लेके आया, वेदास को आर्यन लेकर के आए, कब लेके आए, 3000 साल पहले। और वेदा का असल मतलब क्या होता है, नॉलेज। इसीलिए आपके वेदा में चार मेन बुक्स आती है, वेदा को जो हमने डिवाइड करा है वो चार प्रोमिनेंट किताबों में कर रहा है। ठीक है, और आर्यंस ही बेटा वो लोग होते थे जो आरंभ से इन किताबों को रीड करते थे, राइट करते थे। अब इनमें भी बेटा थोड़ा डिफरेंसेस आएगा, वो मैं आपको पूरे लेक्चर के बीच में समझाऊंगा। ठीक है, द वेद व्यास कंपोज और कंपाइल द वेदा। अब ये चीज याद रखिए बेटा, वेदा जो था, वेदा बेसिकली क्या था, वेदा कोई एक प्रॉपर बुक नहीं थी। ठीक है, वेदा कंपाइल करे थे, सपोज करिए अलग अलग लोग हैं, किसी को मेडिसिन की बहुत अच्छी स्टडी है, किसी को यू नो एस्ट्रोलॉजी की बहुत अच्छी स्टडी है, क्या बोलते हैं, नॉलेज है बहुत अच्छी। ठीक है, सपोज करिए किसी को जो है आपके यू नो हिस्टोरिकल चीजों के बारे में स्टडी है, तो हर एक जगह से वो कॉन्सेप्ट, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट उठाए गए और उनको कंपाइल करा। कंपाइल करना बेटा क्या होता है, कंपाइल करना कहते हैं इकट्ठा करना। तो वेदा किसी ने लिखे नहीं है, वेदा आपके कंपाइल करें। तो सबसे पहले जो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है यही है कि द वेद व्यास कंपोज और कंपाइल दी वेदास। ठीक है, वेद व्यास वो शख्स थे, वेद व्यास वो इंसान थे जिन्होंने सबसे पहले वेदा को कंपाइल करा, मतलब इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को
कलेक्ट करना शुरू करा, ठीक है। नेक्स्ट द पीरियड फ्रॉम 1500 to 600 BC इज कॉल्ड द वैदिक एज। अगर प्रॉपर तरीके से एक मेन पीरियड देखा जाए वैदिक एज का, तो 1500 से लेकर आपके 600 BC तक का टाइम पीरियड रहेगा। अब इसमें हायरार्की समझिए। वेदा मैंने आपको बता दिया, वेदास जो होते हैं वो लिटरेचर होते थे, किताबें होती थी। इसमें आपके चार मेन किताबें आती थी, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, चार मेन किताबें आती थी इसमें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से एएमयू ने क्वेश्चन पूछे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले याद रखिए, सबसे पहले ऋग्वेद, ठीक है। ऋग्वेद के बारे में आपको पहली इंपॉर्टेंट बात जाननी है, वो ये बात है कि सबसे ओल्डेस्ट अगर कोई वेदा है तो आपका ऋग्वेद है, और यही आपका पीवाईक्यू है, यही आपका पीवाईक्यू है। प्रीवियस ईयर बीए में यहां से क्वेश्चन पूछे गए, पूछा गया है विच इज द ओल्डेस्ट वेदा। तो याद रखिएगा, ऋग्वेदा इज द ओल्डेस्ट वेदा। और अगर बात करी जाए विच इज द फर्स्ट वेदा, तो फर्स्ट वेदा जो आया है वो भी आपके ऋग्वेदा है, ये याद रखिएगा। इसके अलावा बेटा नेक्स्ट है आपके यजुर्वेदा, फिर उसके बाद समावेदा, और सबसे लास्ट में बेटा आता है आपके अथर्ववेदा, ठीक है। तो अथर्ववेदा के बारे में भी आपसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई सारे कॉम्पिटेटिव में यहाँ से क्वेश्चन आए हैं। तो सबसे पहले याद रखिए लास्ट वेदा किसे बोलते हैं, तो वो है बेटा अथर्ववेदा। फिर इसके अलावा अगर पूछा जाए विच इज ए रीसेंट वेदा, मतलब सबसे लास्ट और सबसे रीसेंट, रीसेंट मतलब न्यू, तो वो भी बेटा आपका क्या है, वो भी आपके अथर्ववेदा है, ओके। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी जो इस स्लाइड में आपको बतानी थी। इसके अलावा बेटा ये हायरार्की है, ये वेदा की पूरी हायरार्की है, मतलब जैसे एक बुक होती है, ठीक है। तो बुक के अंदर हम किस तरीके से चीजों को डिवाइड करके पढ़ते हैं, पहले मैं आपको एक चीज समझाता हूं। देखिए बेटा, सबसे पहले होती है बुक, ठीक है। सपोज करिए बुक है आपके पास, हिस्ट्री की बुक है, ठीक है। उस हिस्ट्री की बुक को आप पढ़ते हैं, तो उसके अंदर क्या होता है, कंटेंट होता है, चैप्टर्स होते हैं। तो फिर आते हैं आपके चैप्टर्स, मतलब बुक के अंदर क्या आते हैं, चैप्टर्स, ठीक है। चैप्टर्स के अंदर क्या होते हैं, पैराग्राफ। चैप्टर के अंदर क्या होते हैं, पैराग्राफ, ठीक है। और पैराग्राफ किससे बने होते हैं, पैराग्राफ बने होते हैं वर्ड या फिर लेटर्स से, ठीक है, वर्ड या फिर लेटर्स से। तो ये चीज याद रखिएगा, वर्ड या फिर लेटर्स से। तो यही आपके कुछ इसी पैटर्न पे आपके वेदास की हायरार्की चलती है। जो वेदा होते हैं वो तो बेसिकली बुक्स होती हैं, जैसे मैंने यहाँ पर आपको बताया ऋग्वेदा, यजुर्वेदा, समावेदा, अथर्ववेदा, इनके बारे में दो दो बातें बताएं, ठीक है। वेदा बुक्स होती है, वेदा के अंदर अलग 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 चैप्टर्स आते हैं, जिनको हम लोगों ने नाम दिया मंडलास, ठीक है, जिनको हमने नाम दिया मंडलास। और मंडला के अंदर, मतलब चैप्टर्स के अंदर क्या आते हैं, चैप्टर के अंदर आते हैं पैराग्राफ्स, यस बेटा। तो पैराग्राफ्स को क्या बोला गया है, सुक्तास। और उन पैराग्राफ्स के अंदर वर्ड्स आते हैं, वर्ड्स कह लीजिए या फिर लेटर्स कह लीजिए, तो उन्हें बोलते हैं बेटा हाइम्स या फिर रचा, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हायरार्की थी जो मुझे आपको समझानी थी। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो है वो ये है बेटा, टाइप्स ऑफ वेदा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। ऋग्वेदा सबसे ओल्डेस्ट वेदा, ये क्वेश्चन कई मरतबा कॉम्पिटेटिव में पूछा गया है, यहां तक कि एएमयू बीए में भी ये पूछा गया है, जी हाँ बेटा। समावेदा और उसके बाद अथर्ववेदा, विच इज कॉल्ड द लास्ट एंड द रीसेंट वेदा। तो यहां तक सब लोगों का क्लियर है, जल्दी से मुझे बताइए बेटा। वर्ल्ड हिस्ट्री देखो, थोड़ा बता दूं कि जो बच्चे जामिया की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जामिया के जीके जीएस का जो लेवल है वो थोड़ा ऊपर रह रहता है, ठीक है। तो अगर आप लोग एएमयू की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उसके लिए अपना मेन फोकस रखिएगा इंडियन हिस्ट्री पे, ठीक है। उसके अलावा अगर आपको और ज्यादा अपनी जीके जीएस को बढ़ाना है, अपनी नॉलेज को इंक्रीज करना है, तो वर्ल्ड हिस्ट्री के थोड़े बहुत कौन से पढ़िएगा, ठीक है। जैसे अमेरिकन हिस्ट्री के बारे में थोड़ा पढ़िए, थोड़ा फ्रेंच हिस्ट्री, जो फ्रेंच रेवोल्यूशन जो आपको लुई डी 16 के टाइम पीरियड पे हुआ था उसको पढ़िएगा, ठीक है। फिर आप नेपोलियन के बारे में थोड़ा पढ़िएगा, यूरोप के बारे में थोड़ा पढ़िएगा, ठीक है, ये चीज इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा वर्ल्ड हिस्ट्री में बात करूं मैं, तो आपको कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताता हूं, जैसे वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बारे में, वर्ल्ड वॉर टू के बारे में, ये भी देखिएगा। और आप लोगों के लिए एक और इंपॉर्टेंट चीज बेटा मैं शुरू करने के लिए बोल रहा हूँ, मेरे माइंड में ये चीज चल रही थी कि आपके लिए आईआर की क्लास भी शुरू करूंगा, इंटरनेशनल रिलेशनशिप, जिसमें आप वर्ल्ड हिस्ट्री, वर्ल्ड पॉलिटिक्स को थोड़ा और अच्छे से समझ पाएंगे, जिसमें आप जितने भी हाईलाइटेड इश्यूज होते हैं, जैसे इसराइल फिलिस्तीन, ठीक है, और आपको यूक्रेन रशिया, ऐसे इश्यूज को डिस्कस करा जाएगा। यहीं से आपके जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन भी बन जाते हैं, यहीं से आपके जो है करंट अफेयर्स के क्वेश्चन भी बन जाते हैं, और यहीं पर आपके थोड़ा थोड़ा वर्ल्ड पॉलिटिक्स और वर्ल्ड हिस्ट्री भी कवर होती है,
ठीक है। तो बेटा वक्त मिला, अगर सारी तैयारियां हमारे अच्छे से चली तो आईआर की क्लास भी आपके लिए लेकर के आएंगे। यस बेटा यहां तक सबका क्लियर है प्लीज? जी जी संजीत यू आर राइट। ओके आई विल टेल यू उमरा। एज आई टोल्ड यू जोहा के जामिया के लिए थोड़ा आपको एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा। गुड नो एंट्रेंस डेट अभी नहीं आई, यूजी और पीजी जितने भी आपके एंट्रेंसेस है उसकी डेट अभी नहीं आई है। वेरी गुड उमरा। थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा समीर, उसको उसको भी कवर करवा देंगे, नो इश्यू अबाउट इट। वेरी गुड आलिया। यस सोनोबर वालेकुम सलाम। पॉलिटी की भी क्लास आपकी नहीं लगेंगे? यस ये बेटा सबको अभी अभी एक्सप्लेन करेंगे, जितने भी वेदा है ना, ऋग्वेदा यजुर्वेदा समावेदा, सबको एक एक स्लाइड में जितनी भी इंपॉर्टेंट बातें हैं, हर किसी के बारे में तीन तीन चार चार पांच पांच इंपॉर्टेंट बातें हैं, उन सभी इंपॉर्टेंट बातों को फैक्ट्स को हम देखेंगे अभी। ये सब इतना तो नहीं होता लेकिन पूछ सकता है। ये वो देखो कुछ चीजें होती हैं जो हमारे बिल्कुल 100% रडार के अंदर होती हैं, जिनको हम कवर करेंगे तो वहां से आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। जैसे मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक बताता हूँ जो मैंने हाउ टू प्रिपेयर फॉर द बीए एमयू इस वीडियो में मैंने आपको बताया, जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उसके कुछ कुछ एग्जाम्पल्स मैंने बताए, जैसे मुगल बताया, दिल्ली सल्तनत बताया मैंने, बुक्स एंड ऑथर बताए मैंने, बिब्लिकल नेम ऑफ द प्रॉफिट्स मैंने बताए, ठीक है, इसके अलावा डेज ऑफ डेट मैंने बताया। तो ये वो चीजें जो रडार के अंदर है, जहां से क्वेश्चंस बनते हैं। अभी जो आप स्पोर्ट्स के टर्म्स पूछ रहे हैं, टर्मिनोलॉजीज पूछ रहे हैं बेटा, तो वहां से क्वेश्चन बन सकता है लेकिन वो प्रॉपर रडार के अंदर नहीं है। मतलब एमयू वालों को दिल करा तो वो पूछ लेंगे, ठीक है, तो सिलेबस का पार्ट है लेकिन ऐसा परफेक्ट नहीं है कि वो पूछे वहां से, ठीक है। देखे ना समरी, नो इशू बेटा, करंट अफेयर्स भी कवर करवा देंगे। एमयू पिछले 6 महीने के करंट अफेयर्स पूछता है तो मैं आपके 6 महीने के करंट अफेयर्स भी जल्दी आपको कवर करवाऊंगा, ठीक है। अच्छा वेरी गुड। तो जिन जिन लोगों को बेटा अगर ये लेक्चर अच्छा लग रहा है, ये सीरीज बिल्कुल पसंद आ रही है, तो बेटा लाइक कर दीजिए, और जो आपके क्लासमेट्स हैं बैचमेट्स हैं उनके साथ भी शेयर कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोग इस चीज से बेनिफिट ले पाए। और एक जो सरप्राइज है आपके लिए वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, आप लोगों की तैयारी को और पुख्ता और ज्यादा मजबूत बनाया जाएगा बेटा, बने रहिए, बहुत सी चीजें सीखने वाले हैं बेटा, बहुत सी चीजें आप लोग हमारे इस सीरीज से सीखने वाले हैं, और आई एम श्योर ये ज्यादातर चीजें आपको एंट्रेंस में मिलेंगी, आपकी तैयारी को बिल्कुल बेहतरीन बना दिया जाएगा। ओके चलिए तो नेक्स्ट टॉपिक, यस ऋग्वेदा। तो ऋग्वेदा के बारे में बेटा कुछ इंपॉर्टेंट बात है, इट इज द ओल्डेस्ट वेदा, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू इट इज द ओल्डेस्ट वेदा एंड कंपोज बाय होत्रु, लिखा इसको बेटा होत्रु जाता है, मतलब ऋग्वेदा को किसने कंपोज करा था, किसने कंपाइल करा था, कौन किसने इसको इकट्ठा करा था, एक फॉर्म में लेकर आए थे, ठीक है, उनका नाम है होत्रु, ठीक है, याद रखिएगा, लिखा इसको होत्रु जाता है लेकिन होत्रु पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। इसके अंदर 10 मंडलास होते हैं और सुक्तास देखा जाए तो 1028 सुक्तास होते हैं, और हाइम्स की बात करें मतलब जो वर्डिंग है इसमें वो है आपके 10,462, और इसके अलावा बात करी जाए गायत्री मंत्र, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि गायत्री मंत्र, ये आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है, खास करके जामिया में ये आपसे पूछ सकता है कि गायत्री मंत्र आपके किस वेदा के अंदर आता है, इन विच वेदा वी कैन फाउंड दी गायत्री मंत्र, या गायत्री मंत्र लाइज इन विच वेदा, तो यू कैन आंसर दी ऋग्वेदा। ओके एंड नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज सोम, बेटा सोम के बारे में बता दूं, सोम एक तरीके का एनर्जी ड्रिंक होता था, जैसे होता है ना बेटा
बहुत सारे ड्रिंक्स आते हैं मार्केट में जो एनर्जी को बूस्ट करते हैं, जो आपके एनर्जी के लेवल को बढ़ाते हैं। तो सेम ऐसे एक ड्रिंक है, ठीक है, जिसका जिक्र आपके ऋग्वेदा में हुआ है, ठीक है। जैसे आपके एक ड्रिंक आती है रेडबुल, ठीक है, वो फौरन से आपकी एनर्जी को बढ़ाता है। तो ये भी बेटा एक तरीके से सौम जो था, सौम भी आपके एक तरीके का एक एनर्जी ड्रिंक था, ठीक है। ये एक एनर्जी ड्रिंक था जो आपके किस चीज से बना था, ये चीज याद रखिए, ये आपके नेचुरल जो वेजिटेशन होते हैं, मतलब जो वनस्पतियां होती हैं, उससे बना बना हुआ था ये, जो आपके वेजिटेबल्स होती हैं उससे ये बना था। और एज वी नो के आर्यंस जब आए तो आर्यंस के अंदर कई सारे कबीले होते थे, कई सारे ग्रुप होते थे, तो वो ग्रुप आपस में लड़ाई करते थे। जब वो ग्रुप लड़ाई करने के लिए जाते थे, क्योंकि पहले के जमाने में बेटा यही होता था, अगर आपको डेवलप करना है, ठीक है, तो आपको लड़ाई करके वो एरिया कैप्चर करना होता है। पूरी हिस्ट्री बेटा भरी हुई है लड़ाइयों से, कि अगर आपको एक्सपेंड करना है, फ्लरिश करना है, तो आपको दूसरे राजा या दूसरी जगहों पर जाके हमला करना है, कब्जा करना है। तो जब ये ट्राइब्स लड़ने के लिए जाते थे तो ये सोम नाम की एक एनर्जी ड्रिंक पीते थे, जिससे पी के इनको एनर्जी आती थी और ये एक दूसरे से फाइट करा करते थे। तो ये चीज याद रखिएगा, सोम एक एनर्जी ड्रिंक था जिसका जिक्र आपके ऋग वेदा के अंदर आता है, ठीक है। और ये ट्राइबल लोग लड़ने से पहले जब फाइट करने के लिए जाते थे तो इसका यूज करते थे। इसके अलावा नेक्स्ट एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक, वर्णा सोसाइटी। वर्णा सोसाइटी बेटा क्या है, देखो पहले के टाइम में अगर देखा जाए, वैदिक एज में देखा जाए, तो सोसाइटी को बेटा हमने बांट दिया था, सोसाइटी को मेनली हमने चार पार्ट में बांट दिया था, लोगों को उनके बर्थ के बेस पे हमने चार मेन कैटेगरी में रख दिया था। इसी को वर्णा सोसाइटी बोलते हैं, ठीक है, इसी को हम लोग वर्णा सोसाइटी बोलते हैं, ये चीज याद रखिएगा, ठीक है। वर्णा सोसाइटी में आप सबसे पहले बात करी जाए तो सबसे पहले देखो, अगर बात करी जाए आपके वैदिक एज की, तो वैदिक एज को ब्रह्मिकल एज भी बोलते हैं, मतलब ब्रह्मा, और ब्रह्मा एक मेन जो कह सकते हैं कोर गॉड थे जिनको सब लोग फॉलो करते थे। अगर आप हिंदुइज्म को बहुत डीप देखें, ठीक है, हिंदुइज्म को बहुत डीप देखें तो आपको सनातन धर्म मिलेगा। आप सनातन धर्म का अगर कोर देखें तो वो आपको कहीं ना कहीं ब्रह्मा से देखने के लिए मिलेगा। तो ब्रह्मा जो था, जो ब्रह्मा थे, वो आपके तीन फॉर्म में पाए जाते थे, ठीक है, एक विष्णु, महेश और शिव, एक बनाने वाले, एक इस दुनिया को चलाने वाले और एक इस दुनिया को खत्म करने वाले, ठीक है। तो जो ब्रह्मा थे, ब्रह्मा ने लोगों को बर्थ के बेसिस पे चार कैटेगरी में डिवाइड कर दिया था। सबसे पहले बेटा देखिए आप, सबसे पहले इसमें जो मिलेंगे, मतलब ये जो लोग हैं, इनको जो डिवीजन करा था वो ब्रह्मा ने अपने बॉडी से ही करा था। अब कैसे, ये मैं आपको बताता हूं। ब्रह्मा एक मेन आइडेंटिकल फिगर थे, ठीक है, जिस पे ये पूरी वैदिक एज चलेगी। तो ब्रह्मा में जो सबसे सुपीरियर लोग होते हैं, ठीक है, जो ब्रह्मा के हेड से बने, तो उनको बोलते हैं ब्राह्मण्स। इसीलिए अगर हिंदुइज्म में देखा जाए, सबसे ऊंचा दर्जा, सबसे बड़ी कास्ट किसको मानी जाता है, वो माना जाता है ब्राह्मण लोगों को। इसीलिए उनकी उनको पूजा में बुलाया जाता है, उनको खाना खिलाया जाता है, मतलब बहुत ही रिलीजियस पर्सन के नाम से की कैटेगरी में वो लोग आते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ब्रह्मा के हेड से जो बने, वो बने थे बेटा ब्राह्मण, ये चीज याद रखिएगा, ब्राह्मण। उसके बाद जो ब्रह्मा के एल्बो से बने, मतलब जो मेन फिगर था ब्रह्मा, उसके जो एल्बो से बने, वो आते हैं क्षत्रिय, वो आते हैं क्षत्रिय, ठीक है, वो आते हैं क्षत्रिय। अब याद रखिए बेटा, ब्राह्मण जो थे वो आपके रिलीजियस पर्सन होते हैं, जैसे हमारे मुस्लिम्स में मौलाना मौलवी होते हैं, वैसे अगर हिंदुइज्म में देखा जाए या ब्राह्मिकल रिलीजन में देखा जाए, ठीक है, तो इसमें आपको जो धार्मिक लोग मिलेंगे वो ब्राह्मण लोग मिलेंगे, और क्षत्रिय लोग जो मिलेंगे वो आपको क्या मिलेंगे, रूलर्स या फिर वॉरियर्स, ठीक है, या तो राजा मिलेंगे, किंग्स, या फिर वॉरियर लड़ाकू मिलेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद जो थर्ड कैटेगरी आएगी, वो आएगी वेश्यास की। तो वेश्यास बेटा थाइस, वेश्यास किससे बनेंगे, थाइस से, जो ब्रह्मा के थाइस से बने। वेश्यास मतलब वो लोग जो बिजनेसमैन होते हैं, जो कारोबारी लोग होते हैं, जो मर्चेंट होते हैं या फिर ट्रेडर्स होते हैं। इसके अलावा फोर्थ कैटेगरी, इनको बोलते हैं शूद्रा, शूद्रा बोला जाता है, जो ब्रह्मा के बिल्कुल फुट से बने, ब्रह्मा के तलवों से बने। तो इसीलिए इसमें सबसे नीचे कैटेगरी के लोग आते हैं, जिन्हें आप कह सकते हैं जो फार्मर का काम करते हैं, जो पीजेंट का काम करते हैं, या जो सर्वेंट होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से चार कैटेगरी में वर्णा सोसाइटी को बांट दिया था, वर्णा सोसाइटी को बांट दिया था। सबसे पहले ब्राह्मण, जो ब्रह्मा के हेड से बने, जो ब्रह्मा के एल्बो से बने, वो क्षत्रिय, जिसमें रूलर और आपके वॉरियर्स आते हैं। फिर आते हैं आपके वैश्यास, वैश्यास आपके ट्रेडर, मर्चेंट, ये सब होते हैं। फिर आते हैं शूद्रा, ठीक है, शूद्रा, शूद्रा आपके जो होते हैं वो आपके
फार्मर्स बेटा और आपके जितने भी पीजेंट्स होते हैं वो। फिर इसके अलावा इन चारों में से जो ब्रह्मा का पार्ट है ही नहीं उन्हें बोलते हैं हम दलित, उन्हें बोलते हैं दलित, और दलित को बोलते हैं बेटा अनटचेबल, अनटचेबल। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा, अनटचेबल बोलते हैं क्योंकि ये ब्रह्मा का पार्ट नहीं है तो इन्हें कंसिडर नहीं करा जाता। ठीक है, तो ये चीज याद रखिएगा। जो वर्ण सोसाइटी थी वो ऋग्वेदा के अंदर आता है और इसको कौन लेके आया था, इसको ब्रह्मा के हिसाब से ही आया है और इसको चार कैटेगरी में बांटा गया है। ठीक है, तो ये चीज भी याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी। नेक्स्ट है समवेदा। अब जैसे मैंने बेटा बताया कि जो वेदास थे, वेदास की लैंग्वेज थोड़ी मुश्किल होती थी तो वेदास को याद रखना, वेदास को समझना थोड़ा मुश्किल होता था। इसी चीज को इजी बनाने के लिए, जैसे याद करो बेटा, जब हम बचपन में होते हैं तो हमें पोएम्स याद करवाई जाती हैं। पोएम्स को ना लिरिकल फॉर्म में, लिरिकल मतलब गानों की तरह, म्यूजिक की तरह हमें याद करवाया जाता है। जैसे टू टू जा फोर, टू थ्री जा सिक्स, ऐसे यू नो लिरिकल फॉर्म में। तो ऐसे इन वेदा को याद करने के लिए, याद करने के लिए म्यूजिक को का इंट्रोडक्शन हुआ। तो म्यूजिकल फॉर्म में जो वेदास आए थे वो आपके समवेदा में आए थे। याद रखिएगा, जो मेलोडीज है, जो आपके म्यूजिक का कॉन्सेप्ट है जो इंडिया के अंदर आया, वो आपके समवेदा से अंदर आया, समवेदा के अंदर से आया। तो वेदा मुश्किल होते थे, उनको याद करना, मेमोराइज करना मुश्किल होता था, तो उनको लिरिकल फॉर्म में लेकर के आए। अब गानों के तरीके से उसको ना गुनगुनाते हुए लोग याद करने लगे। तो इसमें आपको मेलोडीज मिलेंगे, चैंट्स मिलेंगे। ठीक है, तो फादर ऑफ इंडियन म्यूजिक भी समवेदा को बोला जाता है कि यहीं से आपके म्यूजिक का इंट्रोडक्शन हुआ इंडिया के अंदर। और जो रीडर, जो आपके समवेदा में जो रीडर होते थे, जो समवेदा को पढ़ते थे, उनको बोला जाता था उद्गतारी, उद्गात्री। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कि कौन लोग, इसमें बेसिकली होता क्या था, इसमें जैसे मैंने बताया कि ऋग्वेदा को एनालिसिस करने के लिए, ऋग्वेदा को अच्छे से पढ़ने के लिए ये उनको गुनगुनाया करते थे, लिरिकल फॉर्म में पढ़ा करते थे। ठीक है, नेक्स्ट यजुर्वेदा। तो यजुर्वेदा के अंदर जितने भी रिचुअल्स होते थे, रूल्स होते थे, वो सब यजुर्वेदा के अंदर होते थे। और जो लोग यजुर्वेदा को पढ़ते थे उन्हें बोलते थे अदरव्यू। ठीक है, अदरव्यू उन्हें बोलते थे। और यजुर्वेदा बेटा याद रखिए, यजुर्वेदा आपके फ्रोज और वर्स के फॉर्म में होते थे, फ्रोज और वर्स के फॉर्म में ये होते थे। इसके अलावा लास्ट वन जो आता है आपका अथर्वेदा। ठीक है, अथर्वेदा सबसे लेटेस्ट वेदा है और जो ब्रांच है इसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट नाम है बेटा, याद रखिएगा, आयुर्वेदा। ठीक है, आयुर्वेद का नाम आपने सुना होगा, जब कभी आपके दिमाग में आयुर्वेद का नाम आएगा तो सबसे पहली चीज जो आपके माइंड में आएगी वो आएगी मेडिसिन। तो याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन आया है, ये क्वेश्चन रीजनिंग में भी आया कि कौन सी क्लासिफिकेशन, रीजनिंग के अंदर टॉपिक बताता हूँ क्लासिफिकेशन, कि कौन सी ब्रांच जो है आपके वेदास का पार्ट नहीं है, तो उसमें इसमें यजुर्वेदा है। यजुर्वेदा बेसिकली एक सब ब्रांच है जो आपके अथर्वेदा के अंदर आता है, जिसमें बेसिकली हम मेडिसिन के बारे में बेटा पढ़ते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो अथर्वेदा के ऑथर है या कंपोजर है वो है अथर्वा ऋषि। ठीक है, इसके अलावा सभा और समिति। अब ये एक और चीज बेटा निकल के करके आई, एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इसमें हमारे लिए निकल करके आया कि सभा समिति नाम की दो असेंबलीज होती थी। ठीक है, सभा जो बेसिकली आपके किसके नहीं होती थी, नॉर्मल लोगों के नहीं होती थी, कॉमन पीपल आते थे यहाँ पर अपनी बात को रखते थे। ठीक है, मीटिंग करते थे। समिति जो होती थी वो नॉबल्स लोगों की नहीं होती थी, जो राजा महाराजा किस्म के लोग होते थे वो आते थे, वो अपने यहाँ पर मिनिस्टर्स बैठते थे और इंपॉर्टेंट चीजों पर डिस्कशन होता था। ठीक है, इसके अलावा देखा जाए ब्लास्फेमी ऑफ द बर्थ ऑफ गर्ल्स। अब एक थोड़ी कॉन्ट्रोवर्शियल पॉइंट बेटा यहाँ पर थोड़ा है, या फिर आप थोड़ा कह सकते हैं हार्श पॉइंट है यहाँ पर, कि ये जो वैदिक एज रहा है, ये जो ब्राह्मिकल एज शुरू हुई है, ये ना मेल डोमिनेटेड सोसाइटी में बिलीव रखता है। मतलब कहीं ना कहीं इसमें मेल को, मतलब जो मेंस होते हैं उनको ज्यादा प्रायोरिटी दी जाती है। तो याद रखिए, इस यहाँ पर इग्नोर करा जाता है गर्ल्स को, और इम्पोर्ट इग्नोर करा जाता है जो नीचे जाति के लोग होते हैं, जैसे शूद्रा हुए, दलित हुए। ठीक है, तो पूरे इसमें आप दो कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करिए, एक तो इन वेदास की लैंग्वेज बहुत मुश्किल होती थी, दूसरी चीज यहाँ पर गर्ल्स जो फीमेल्स होती हैं और जो नीची जाति लो कास्ट के लोग होते हैं उनको बिल्कुल इग्नोर कर दिया जाता है। अब इसी चीज को कॉन्ट्राडिक्ट करने के लिए, इसी चीज को थोड़ा यू नो बेहतर बनाने के लिए आगे पुराणास भी आएंगे। पुराण में बेसिकली दोनों का जिक्र हुआ है, वहां पे गर्ल्स के बारे में बात हुई है और वहां पर बेटा लो कास्ट के बारे में भी बात हुई है। तो ये जो बाइफर्केशन था, ये जो डिविजन था वेदास का, ये कवर करवाया बेटा,
ये जल्दी से बताइए, आपको समझ में आया या नहीं आया? वेरी गुड मुबशिरा, यस गुड। चलिए तो सभी लोगों का कॉन्सेप्ट ही क्लियर है बेटा। नेक्स्ट टॉपिक वेदांग। अब देखो बेटा, फिर से मैं उसी पॉइंट पर अपने वापस आऊंगा और आपको ये बताऊंगा कि वेदास की लैंग्वेज मुश्किल होती थी, तो इसीलिए सबसे पहले ओल्ड वेदा को समझने के लिए, ऋग वेदा को समझने के लिए हम लिरिकल फॉर्म में समा वेदा को लेकर आए, मतलब वेदास को हम म्यूजिकल फॉर्म में लेकर आए, हम मेलोडीज के फॉर्म में उसको गुनगुना के याद करने लगे। अब सपोज करिए, अब किसी चीज के रूल्स रेगुलेशन नहीं है, कोई चीज आपको बस ऐसे ही पढ़ा रहे हैं, मतलब मैं आऊं और हिस्ट्री को ऐसे ही पढ़ाना शुरू कर दूं, आपको बिल्कुल बेस ना बताऊं, बिल्कुल भी टर्म्स ना बताऊं, तो कैसे चलेगा बेटा? नहीं, समझ में आ पाएगा ऐसे? तो वेदांश को इजी बनाने के लिए अब आएंगे वेदांश। वेदांश बेसिकली क्या है? वेदांश जो वेदास है उसको समझने के लिए रूल्स और रेगुलेशंस, या फिर आप कह सकते हैं गाइडलाइंस, तो ये वो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ये वो इंपॉर्टेंट रूल्स हैं जो वेदास को समझने के लिए लेकर के आए। तो टोटल देयर आर सिक्स वेदांग, इसमें छह अलग अलग वेदांग है, जिसमें जो वैदिक एज की जो लिटरेचर है उसको छह अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दिया था, ये आप देख सकते हैं, ठीक है? ये यहाँ पर मौजूद है। सबसे पहले बेटा होते थे चंदास। चंदास बताते थे मैट्रिक्स के बारे में, ठीक है? मैट्रिक्स में जितनी भी चीजें होती थी, ठीक है, मेजरमेंट और ये सब सब चंदाज में होता था, ठीक है? मेजरमेंट हो गया, शेप हो गया, साइज हो गया, इन सब के बारे में डिस्कशन होता था। फिर आपके होता है व्याकरण। तो व्याकरण तो बेटा आप सभी लोगों को पता है, व्याकरण मीन्स ग्रामर, किसी भी लैंग्वेज के ग्रामर को समझो, आपको एक प्रॉपर नॉलेज उसके बारे में मिल जाएगी। फिर इसके बाद निरुक्ता। निरुक्ता बेटा इंग्लिश में क्या बोलते हैं निरुक्ता को? एटाइमोलॉजी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एटाइमोलॉजी? ये क्वेश्चन आपके इंग्लिश में भी आया है बेटा, ये चीज याद रखिए। एटाइमोलॉजी मीन्स द स्टडी ऑफ वर्ड, वर्ड्स की स्टडी करना, हाउ द वर्ड्स आर फॉर्म्ड, कैसे अलग अलग वर्ड्स बनते हैं, ठीक है? वोकैब की नॉलेज को आप क्या बोलते हैं? वोकैब की स्टडी को एटाइमोलॉजी। ये वर्ड वर्ड सब्स्टिट्यूशन में भी आया है इंग्लिश में, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज द ज्योतिषी। ज्योतिषी मतलब एस्ट्रोलॉजी, ठीक है, भविष्यवाणी करना। नेक्स्ट कल्पा। कल्पा मीन्स द रिचुअल। नेक्स्ट वन रिचुअल, वही रीति रिवाज जो होते हैं, ठीक है? नेक्स्ट शिक्षा। शिक्षा मतलब फोनेटिक्स। फोनेटिक्स मतलब बेटा क्या होता है? जितने भी लेटर्स होते हैं उनकी स्टडी करना, जैसे ए बी सी, अलिफ बा पा, छोटा बड़ा, ठीक है, इन सब की स्टडी करना, ठीक है, यही फोनिक्स होते हैं। फोनिक्स बेसिकली जो आपके लेटर्स होते हैं, सबसे छोटी इकाई होती है, उसको क्या बोलते हैं, उसको आवाजों की फॉर्म में पढ़ना, कॉन्सोनेंट या वॉवल्स की फॉर्म में पढ़ना, यही आपको फोनिक्स कहलाता है। तो वेदांश में बेटा यही इंपॉर्टेंट चीज है। वेदांश रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं, जिसमें हमने जो वैदिक लिटरेचर था उसको छह अलग अलग पार्ट में डिवाइड करके उसके क्राइटेरिया बना दिए थे और उसके रूल्स बना दिए थे कि चीजों को अच्छे से समझने के लिए, ठीक है? नेक्स्ट, यस। अब देखो बेटा हुआ क्या, देखो अब थोड़ा कॉन्ट्रडिक्शन वाली चीजें आएंगी। पहले तो आए वेदांश, वैदिक लिटरेचर, वो थोड़े हार्श लैंग्वेज में होते थे, फिर उनके अंदर डिवीजन हुए, चार डिवीजन हुए और ज्यादा उसको बेहतर बनाने के लिए। अब उस चीज को और ज्यादा इजी बनाने के लिए वेदांश आए, ठीक है? अब देखो वेदांश के लिए, वेदांश से कॉन्ट्रडिक्ट करने के लिए, क्योंकि सॉरी वेदांश को कॉन्ट्रडिक्ट करने के लिए, क्योंकि हमने पहली बात क्या जानी थी कि फीमेल्स को इग्नोर कर दिया गया था, नीची जाति के लोगों को इग्नोर कर दिया गया था, उनके अगेंस्ट या उन सॉरी जो उनके फेवर में अब आएंगे पुराण, ठीक है? तो पुराण को थोड़ा अभी हम रोकेंगे, ठीक है? पुराण पुराण को थोड़ा रोकेंगे, फिर और चीजों के बारे में अभी हम देखेंगे, ठीक है? तो पुराण से पहले बेटा ब्राह्मिन्स आए। ब्राह्मिन्स किताबें कहलाती थी, वो किताबें जो छोटी छोटी किताबें होती थी, जिसमें इसी को और इजी लैंग्वेज में बना दिया गया था, ठीक है? और ये वो टाइम पीरियड भी था बेटा जिसमें अलग अलग धर्म इंडिया में बन रहे थे। ये वो 6th सेंचुरी या 7th सेंचुरी का टाइम पीरियड था जिसमें अलग अलग धर्म इवॉल्व हो रहे थे। अगर मैं बात करूं साउथ इंडिया की, तो साउथ इंडिया में भक्ति मूवमेंट शुरू हो रहा था। भक्ति मूवमेंट में बेटा क्या होता है? भक्ति मूवमेंट में हम कोर गॉड को छोड़ छोड़ करके उनके जो रेप्लिका होते हैं, या फिर जो उनके मेन जो कह सकते हैं ना भक्त होते हैं, उनके बारे में हम स्टडी करते हैं, ठीक है? जैसे कालिदास, ठीक है, मीरा के बारे में स्टडी करना, वो श्री कृष्ण को बहुत मानती थी। तो ऐसे ही जब हम मेन गॉड को छोड़ के, कोर गॉड को छोड़ करके दूसरे रेप्लिकास की स्टडी करते हैं, यही आपका भक्ति मूवमेंट शुरू होता है।
और इस्लाम के अंदर देखा देखा जाए तो इस्लाम के अंदर बेटा यही चीज सूफिज्म में होता है, ठीक है। सूफिज्म में भी जो जो कोर गॉड के अलावा जो कोर गॉड के या फिर मैसेंजर पीस भी अपॉन हिम हजरत मोहम्मद के जो मेन डिसिप्लिन होते हैं उनके बारे में जब हम स्टडी करते हैं, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, निजामुद्दीन औलिया के बारे में, तो यही बेटा सूफिज्म बन जाता है। तो ये वो टाइम पीरियड था जिसमें धर्मों के अंदर भी बाइफर्केशन हो रहा था और नए नए धर्म बन रहे थे। तो इसी में आपको दो मेन धर्म दिखेंगे जो आपको साउथ इंडिया में इवॉल्व होते हुए दिखेंगे, जिसमें एक होगा बुद्धिज्म और दूसरा होगा जैनिज्म। तो इनको हम अलग से एक लेक्चर में कवर करेंगे, जैनिज्म और बुद्धिज्म को। यहाँ पर थोड़े उनके लिटरेचर के बारे में पढ़ लेते हैं, क्योंकि याद करिए पहली स्लाइड में मैंने आपको बताया था हम लोग रिलीजियस लिटरेचर को कवर कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें एक किताब आती है जातक। जातक बेटा क्या होता है, जातक बुद्धास के बारे में बताती है आपको, ठीक है। बुद्धास की जो लाइफ स्टोरीज रही है, ठीक है, उनके बारे में आपको बताता है। दूसरे त्रिपिटका, ठीक है, त्रिपिटका ये आपके बुद्धिज्म की रिलीजियस बुक है और ये होती है आपके पाली लैंग्वेज में, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखिएगा। फिर इसके अलावा आपको मिलेगी कथा वस्तु जो महात्मा बुद्ध के कैरेक्टर के बारे में बताती है, लाइफ कैरेक्टर के बारे में बताती है, ठीक है। तो ये इसमें ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। अब बात करते हैं पुराणवास की। तो अब आ जाइए बेटा कॉन्ट्रडिक्शन वाले पॉइंट पे जो मैंने आपको शुरू में बताया था कि अब देखिए अब एक ऐसा टाइम पीरियड आएगा, अब एक ऐसे लिटरेचर आएंगे जो वेमेन्स के बारे में बात करेंगे, जो आपके जो लो कास्ट के लोग हैं जिन्हें बिल्कुल अलग कर दिया जाता है, ठीक है, जिन्हें बिल्कुल साइड कर दिया जाता है, उनके बारे में भी अब यहाँ पर थोड़ी बहुत बातचीत होगी, ठीक है। तो सबसे पहली चीज याद रखिए, इंडियन हिस्टोरिकल स्टोरीज लॉर्ड रामा, लॉर्ड हनुमान, लॉर्ड गणेशा। अब जो पुराणास होते थे, देखो वैदिक एज में तो बेटा अलग बात होती थी, वो हिस्टोरिकल बेस्ड नहीं थे, इसीलिए उसको समझना मुश्किल था। जैसे सपोज करिए मैं आपको कुछ पढ़ाना शुरू करूं, ठीक है, हिस्ट्री पढ़ाना शुरू करूं, अगर मैं आपको थोड़ा उसके पीछे का आगे पीछे का बैकग्राउंड ना बताऊं, उसकी स्टोरी ना बताऊं, तो उसको समझना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो पुराण में क्या होता था, पुराण में ये वो बुक्स होती थी जिसमें स्टोरीज को बताया जाता था। इंडिया में जो हिस्टोरिकल स्टोरीज नहीं है, और कौन सी स्टोरी याद रखिए, जो लॉर्ड्स होते हैं, लॉर्ड्स मतलब वो भगवान जो एक ना एक टाइम पे किंग रहे कहीं ना कहीं, उनकी स्टोरीज को अगर आप समझेंगे तो वो आपको आसानी से याद हो जाएगा। जैसे लॉर्ड रामा की स्टोरी है, राम भगवान थे, 14 साल के वनवास पे गए थे, ठीक है, तो ये सबको पता है। क्यों, क्योंकि ये हिस्टोरिकल फॉर्म में है, हमें ये चीज पता है, ठीक है, इसीलिए हमें इजिली मेमोराइज है ये। लॉर्ड हनुमान थे, शिव जी के अवतार थे, लंका में गए थे, आग लगा दी थी, तो ये सब हमें बेटा पता है। लॉर्ड गणेश थे, किस तरीके से बाय डिफॉल्ट शिव जी ने इनका 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 सर अलग कर दिया था, फिर एक एलिफेंट का इनको लगा दिया गया था, ठीक है, जो नंदी जंगल में से ढूंढ करके लाए थे। तो ऐसे हमें कई सारी स्टोरीज देखने के लिए मिल जाएंगी जो आपके पुराणास का पार्ट है। तो पुराण बेसिकली जो बेस थे आपके हिस्टोरिकल स्टोरीज पे बेस थे बेटा, जो किसी ने किसी लॉर्ड या किसी ने किसी किंग से आपके बिलोंग करते थे। तो इसको कंपोज किसने करा था, किसने पुराणास को बेटा कंपोज करा था, याद रखिए इसके जो कंपोजर थे उनको बोलते लोम हर्ष, ठीक है, लोम हर्ष और उनके बेटे उग्र शिवा, इन दो लोगों ने मिलकर पुराणास को कंपोज करा था, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, ये संस्कृत लैंग्वेज में होते हैं और जो लोग इन पुराणों को पढ़ते हैं उन्हें बोलते हैं पुजारी, ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेमेन एंड शुद्रा कैन लिसन ओनली, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं आपसे बात कर रहा था, मतलब कि इसमें विमेंस और शूद्रा को परमिशन दी थी कि आप पुराण को सुन सकते हैं। तो इस पॉइंट से हमें ये पता चलता है बेटा कि वेदास को सुनना भी विमेंस के लिए, और जो शूद्रा लोग थे, दलितों की तो बेटा बात ही नहीं हो रही, इनको इजाजत नहीं थी। सोचिए कितना इनको लो डिग्रेड कर दिया गया था सोसाइटी में। पुराण आए तो थोड़ी इनको कैसा कह सकते हैं ना, थोड़ी राहत मिली, थोड़ा फ्लेक्सिबल चीजें इनको मिली कि ये अब इनको सुन सकते हैं, पुराण को सुन सकते हैं, ठीक है। अब मैं थोड़ी हायरार्की को और बेहतर बनाता हूँ। सबसे पहले आए वेदास, वेदास को इजी बनाने के लिए आए वेदांश, वेदांश के बाद पुराण आएंगे, ठीक है। अब पुराण के कॉन्ट्रडिक्शन में उसी चीज को और ज्यादा इजी बनाने के लिए ब्राह्मिस बुक आएंगी, ठीक है। तो ब्राह्मिस बुक आपके पुराण के बाद आएंगे, जो मैंने आपको पहले बता दिया था, ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। फिर इसके बाद जो बुद्ध जो दो दूसरे धर्म है उनके बारे में दो दो चार चार इंपॉर्टेंट बातें वो देख लेते हैं, वो बेटा बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो सबसे पहले बुद्धिज्म, गौतम बुद्ध लेकर के आए, जो पैदा हुए थे आपके लंबरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, यहां से भी क्वेश्चन बने हैं कि महात्मा बुद्धा का जन्म कहाँ पर हुआ था। तो याद रखिए इनका जन्म हुआ था लंबरी, जो कि पंजाब वाला पार्ट है। नेक्स्ट, इनका चाइल्डहुड नेम सिद्धार्था है, और इनकी बुक जो अभी हमने पढ़ी थी जाता गया बेटा, जो स्टोरी ऑफ बुद्धा के बारे में बताता है,
ठीक है, एक और बुक है जो कथा वस्तु, जो इनकी लाइफ के बारे में बताता है, और एक इनकी रिलीजियस बुक है जो यहाँ आपको शायद दिखाई नहीं दे रही इसमें, ठीक है, ये आपकी त्रिपिटक है जो तीन लैंग्वेज, जो तीन पार्ट में डिवाइड है और जो पाली लैंग्वेज के अंदर है, ठीक है। अब जैनिज्म की बात करी जाए, जैनिज्म के जो फाउंडर है वो आपके ऋषभ देवा है और लॉर्ड महावीर है। इनके अंदर क्या डिफरेंस है ये भी मैं आपको बताऊंगा जब मैं आपको जैनिज्म और बुद्धिज्म एक बार अच्छे से अलग से सेपरेट लेक्चर में पढ़ाऊंगा, ठीक है। फर्स्ट त्रिपिटक जो जो थे वो आपके इन्हीं में से आते हैं, वो आपके ऋषभ देव देवा थे, 24 त्रिपिटक मैंने बोल दिया, तीर्थंकर, ठीक है, तीर्थंकर में जो थे आपके सबसे पहले वो ऋषभ देवा थे, 24 पूरे पूरे तीर्थंकर्स हैं। तीर्थंकर्स एक तरीके से टीचर्स होते थे जो 24 अलग अलग किताबों पे बेस्ड थे, ठीक है। तीर्थंकर्स का मीन्स होता है बेटा टीचर, तो ये भी याद रखिए। जो 23rd तीर्थंकर है वो आपके परश्वनंथा थे, जो आपके वाराणसी में पैदा हुए थे 8 और 17 सेंचुरी में। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, ये चीज आप थोड़ा अगर चाहें तो इग्नोर कर सकते हैं, बट आपके कोई भी चीज मिस नहीं करनी, तो उनके लिए ये सारे पॉइंट्स आपके लेकर के आए, ठीक है। जो 24th थे वो आपके महावीरा थे, तो याद रखिए दोनों का जिक्र क्यों होता है। अगर जैनिज्म के फाउंडर की बात होती है तो उसमें ऋषभ देवा का भी नाम आता है, ठीक है, और आपके जो देखा जाए लॉर्ड महावीरा का भी आता है। तो पहले जो तीर्थंकर थे वो आपके ऋषभ देवा थे, और 24th जो थे वो आपके लॉर्ड महावीर थे। तो दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो पहले और एक लास्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एट द एज ऑफ 72 इन 468 BC इन पावापुर इन बिहार, जो बेसिकली जो सिद्धार्थ थे जो पांचवे हो गए थे, कहां पर हुए थे, पावापुर बिहार में 72 की एज में, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। पहला सरमन महावीरा ने पावा में दिया था, और इनका जो सिंबल था वो लॉइन था, ठीक है। जैनिज्म लिटरेचर में आगन होता है, आगन जो है वो आपके प्राकृत लैंग्वेज का पार्ट है, ठीक है, मतलब आगन जो होते थे, आगम जो होते थे आपके किस लैंग्वेज में होते थे, याद रखिए ये प्राकृत लैंग्वेज में होते हैं, जो आपके संस्कृत की ही एक सब लैंग्वेज है। तो यहां तक आप लोगों का सब क्लियर है बेटा, यस। वेदांश, यस, ओके, वेरी गुड फरिया, सुफियान, वालेकुम सलाम। वेदांश बेटा ये वैदिक में, वैदिक जो ब्राह्मण का रिलीजन थे, जो वैदिक लिटरेचर था, ये उसी में मेंशन है। इनकार्नेशन, यस, गुड रिदा, वालेकुम सलाम आसिफ। मराठास पढ़ा देंगे, दो इश्यूज बेटा। देखिए हु इज दैट बॉय, मैं नाम, यस बेटा, पूरा जो था वो देखिए पूरी चीज तो बेटा नहीं, क्योंकि बहुत सारी चीजें होती है, जितने भी मेरी कोशिश रहेगी कि बेहतर से बेहतर जो भी कोई आपके लिए चीजें हैं उनको मैं लाइव ला सकूं आपके लिए, ठीक है, क्योंकि ये भी बेटा एक बहुत जिम्मेदारी वाला काम है। और मैं चाहता हूँ कि जितने भी हमारे ऑनलाइन ऑफलाइन और जितने भी हमारे यूट्यूब के जो स्टूडेंट्स हैं जो हमसे कनेक्टेड है, वो सब बीए को क्रैक करें, सब एएमयू में विद रैंक एडमिशन लें, और बेटा ले सकते हैं, कोई भी ऐसा मुश्किल काम नहीं है। कोई एंट्रेंस जो लोग देते हैं, जो लोग एंट्रेंस से बैठते हैं बेटा, वो कोई सुपर हीरो नहीं होते, ना ही वो कोई जिन्नात होते हैं, वो होते इंसान ही है, ठीक है। जैसे इंसान किसी भी काम को कर सकता है, तो वो बेटा आप पे भी अप्लाई होता है। इंसान अगर अपने अंदर ठान ले तो वो किसी भी मुश्किल काम को कर सकता है बहुत आसानी से। तो ये चीज याद रखिए, एंट्रेंस में आपके सुपर हीरो नहीं बैठते, ना ही आपके जिन्नात बैठते हैं, आप जैसे लोग ही बैठते हैं, आप जैसे लोग पढ़ के उस चीज को क्लियर करते हैं। तो आप भी कर सकते हैं, हर कोई कर सकता है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो सिर्फ हमारे लेक्चर देख के यूट्यूब से क्रैक करते हैं, फिर बाद में हमारे पास ऐसे आता है कि सर ऐसे ऐसे हमने आपके यूट्यूब से पढ़ा, इन इन वीडियो से पढ़ा, और ऐसे ऐसे हमारा सिलेक्शन हो गया। तो आप सब बेटा वो चीज कर सकते हैं, सबके अंदर वो काबिलियत होती है। महाजनपद के कुछ टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको बताऊंगा, मगध बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मैं आपके लिए मुबशरा एक शॉर्ट वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं एडीबीसी आपको पूरा समझाऊंगा, ठीक है, वो फिर बहुत लेट हो जाएगा। चलिए तो अब मैं आपका सरप्राइज बताता हूं बेटा, सरप्राइज आपके लिए क्या है। कुछ स्लाइड्स रह गई हैं, फिर उसके बाद हम इस टॉपिक को कवर कर देंगे,
ठीक है। तो सरप्राइज आपके लिए ये बेटा, हम आपके लिए लेकर आएंगे मेंटी क्विज। जी हाँ बेटा, हम आपके लिए मेंटी क्विज लेकर के आएंगे और ये वो क्विज रहेगा जिसमें आपको ट्रिपल फायदा होने वाला है। जी हाँ बेटा, आपको जो लोग कहते हैं ना दुगना फायदा ये वो, नहीं, आपको ट्रिपल फायदा होने वाला है। तीन तरीके से आपको उस मेंटी क्विज से फायदा पहुंचने वाला है। सबसे पहले वो तीन फायदे देखिए, तीन फायदे कौन कौन से बेटा जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं अभी। तो सबसे पहले बेटा याद रखिए तीन जो आपके फायदे हैं, ठीक है। सबसे पहले तो उस मेंटी क्विज की मदद से आप लोग क्या कर सकते हैं, आप लोग लर्न कर सकते हैं। ये मैं आपको दूसरी स्लाइड पे बताऊं तो ज्यादा बेहतर लगेगा, ठीक है, क्योंकि चीजों को अच्छे से खुल करके समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। कल ही आपके लिए मेंटी क्विज लेकर के आऊंगा मैं। जी हाँ, तो मेंटी क्विज देखिए बेटा, मेंटी क्विज हम आपके आपके लिए लेकर आएंगे डेली या फिर अल्टरनेट डेज पे, मतलब एक दिन लेक्चर एक दिन क्विज, एक दिन लेक्चर और एक दिन क्विज, और क्विज के अंदर क्वेश्चंस। तो सबसे पहली चीज जो आपको मेंटी क्विज के अंदर मिलेगी, सबसे पहली चीज है बेटा लर्न। इसमें हम 20 या फिर 30 क्वेश्चंस आपके लिए लेकर के आएंगे, बीए के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जिनके आंसर आप लाइव हमें देंगे, जिनके क्वेश्चन लाइव आप हमें देंगे, जिन क्वेश्चंस के आंसर, और सबसे पहली चीज कि आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को रोज समझ पाएंगे। सपोज करिए मैं 30-30 क्वेश्चन रोज लेकर के आया हूं और मैं अगले 10 दिन तक वो क्वेश्चंस लेकर के आया, तो 30 × 10 आपके पास 300 ऐसे क्वेश्चंस रहेंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो आपने लाइव क्लास में हमारी मौजूदगी में, हमारे बेस्ट फैकल्टीज की मौजूदगी में आपने उस चीज को सीखा, ठीक है। दूसरी चीज उस क्वेश्चन को सही करने पे, जो उन मेंटी क्विज के क्वेश्चंस को सही करेगा, जो उस मेंटी क्विज में फर्स्ट आएगा उसके लिए एक रिवार्ड भी होगा। तो दूसरा इंपॉर्टेंट चीज बेटा मेंटी क्विज के अंदर वो है आपके लिए अर्न। आपके अर्निंग के लिए भी हमने एक चीज रखी है कि जो मेंटी क्विज में फर्स्ट नंबर पे आएगा, जो लीडर बोर्ड में फर्स्ट आएगा, जो ज्यादातर क्वेश्चंस के सही जवाब देगा बहुत जल्दी से फुल एक्यूरेसी के साथ, तो उसको एक अवार्ड भी मिलेगा, उसको एक अवार्ड मिलेगा, उसको एक कैश प्राइज भी दिया जाएगा। चाहे आप ऑफलाइन स्टूडेंट हैं, ऑनलाइन स्टूडेंट हैं, या फिर हमारे यूट्यूब के कोई भी व्यूवर हैं, तो आपको वो कैश प्राइज भी दिया जाएगा, ठीक है। कैश प्राइज है बेटा जो स्टार्ट रहेगा वो 101 रुपीज से रहेगा, ठीक है। तो डेली आप जो सबसे नंबर वन पोजिशन पे आएगा उसको ये वाली चीज प्रोवाइड करवाएंगे हम लोग, ओके। तो ये चीज याद रखिएगा बेटा, इसमें लर्निंग के साथ साथ आपकी अर्निंग भी है। ज्यादातर क्वेश्चंस को आप देखिए, समझिए, और समझने के साथ साथ जब आप उसकी ठीक से आप जवाब भी देंगे, ठीक है, तो आपको उसका प्राइज भी मिलेगा, उसका आपको इनाम भी मिलेगा, ठीक है। और इसके अलावा फन फन एक्टिविटी भी आपकी रहेगी, आपको एक प्रिसाइज टाइम पीरियड के अंदर आपको उनका आंसर भी देना होगा। एक तरीके से ये आपके लिए गेम है, जैसे आप देख देखते ना केबीसी, इट इज लाइक दी केबीसी, कि ज्यादातर क्वेश्चंस के सही आंसर जीतिए और इस प्राइस को लेकर के जाइए, ठीक है। बहुत इजी है, मैं आपको बता दूंगा किस तरीके से ये होगा। जी इंशाल्लाह, जितनी भी चीजें हैं, जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, वो आपके ज्यादा से ज्यादा कवर करवाने की कोशिश करेंगे हम लाइव में। जी तो मेंटी क्विज में बेटा एक बार फिर से बता रहा हूं, आपकी लर्निंग है, आप यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सीख पाएंगे, ज्यादातर चीजों को आप सीखेंगे, ज्यादातर क्वेश्चंस को आप सीखेंगे, जो आता है वो भी देखेंगे, जो नहीं आता है वो तो आपको पता चल ही जाएगा सही आंसर उसका क्या है, ठीक है। उसके अलावा अगर आपने बेहतर करा, और अगर नहीं, आप लोगों पर पूरा यकीन है मुझे, आप लोग बहुत अच्छे स्टूडेंट्स हैं, सिंसियर हैं, जो रात के 12 बजे मेरे साथ कनेक्टेड है वो तो बेटा वो सिंसियर है ही, वो चीजों को बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं, बहुत डेडिकेटेड लोग हैं जो इस वक्त यहाँ मौजूद है क्लास में, जितने भी लोग इस क्लास को देख रहे हैं, तो बेटा उनकी मेहनत को बिल्कुल पूरा फ्रूट मिलेगा उन्हें, और ये कैश प्राइज भी उनको दिया जाएगा जो लीडर बोर्ड में फर्स्ट आएगा, ठीक है। तो उसी वक्त आपसे आपकी डिटेल ली जाएंगी, आपका नेम, आपका फोटोग्राफ और आपका बारकोड जिसपे आपको वो अमाउंट सेंड करना है कि 101 रुपीज का, तो ये उसी वक्त एट अ टाइम लिया जाएगा। आप हमारे ऑफिशियल नंबर पे अपनी डिटेल्स को सेंड कर सकते हैं, जीतने के बाद तो आपको हैंड टू हैंड वो प्राइस दे दिया जाएगा, ठीक है। यस,
तो ये मेंटी क्विज था बेटा जो आपके लिए लेकर के आए हम लोग। ये याद रखिएगा, एक दिन आपकी क्लास रहेगी और एक दिन आपका मेंटी क्विज रहेगा, या फिर डेली रहेगा या अल्टरनेट डेज पर रहेगा, ये आपको कल बता दिया जाएगा। तो कल आपका मेंटी क्विज रहेगा, ठीक है। अगर इसके रिगार्डिंग कोई भी आपको डाउट है कि किस तरीके से मेंटी क्विज देना है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं अभी आपको बता दूंगा लाइक किस तरीके से मेंटी क्विज में आपको एंटर होना है, ठीक है। मैं जल्दी से अपनी बची हुई स्लाइड्स को कवर कर लेता हूं, फिर लास्ट में आपको ये मैं बताऊंगा कि मेंटी क्विज पे आप किस तरीके से आ सकते हैं, किस तरीके से ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू अक्सर। विच पीपीटी आसिफ, चलिए सो देर ना करते हो बेटा, अपने आप रिमेनिंग स्लाइड्स को हम लोग कवर कर लेते हैं अच्छे से, फिर मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप मेंटी क्विज पे आ सकते हैं। बेटा मेंटी क्विज में आलिया, मेंटी क्विज में आपके बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, जो मैंने आपको हाउ टू प्रिपेयर वाली वीडियो बताया था कि मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं, मोस्ट पीवाईक्यूज हैं, जो आपके एमयू ने पूछे हैं उनके बेस पे रहेगा। मतलब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं बेटा, बहुत ज्यादा बेहतरीन क्वेश्चन होने वाले हैं, वहां से आपको ज्यादातर क्वेश्चन बीए में मिलेंगे। जी हाँ बेटा, बीए के एंट्रेंस में मेंटी क्विज से आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिलने वाले हैं, तो मेंटी क्विज को मिस मत करिए। जितने भी आपके बैचमेट हैं, क्लासमेट्स हैं, फ्रेंड्स हैं, उन सबके साथ शेयर कर दीजिए। और कल जो आपका मेंटी क्विज रहेगा, वैसे तो आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, ठीक है। वैसे अप्रोक्स जो मेरे हिसाब से टाइमिंग है वो 10 बजे की टाइमिंग रहेगी, 10 बजे हम आपका मेंटी क्विज शुरू कर देंगे, ठीक है। तो कल 10 बजे बेटा तैयार रहिएगा, एक बहुत अच्छे इनिशिएटिव के साथ कनेक्ट होने के लिए। बहुत सारी चीजें आप उस मेंटी क्विज से सीखेंगे, और सबसे इंपॉर्टेंट बात बेटा, अर्निंग भी है, आपको इनाम हाई हैंड टू हैंड मिलेगा उस चीज का। थैंक यू मरियम। चलिए सो जल्दी से अपने रिमेनिंग स्लाइड्स को पूरा करते हैं, फिर उसके बाद मैं आपको मेंटी क्विज के बारे में बता दूंगा किस तरीके से आप मेंटी क्विज में जोड़ जोड़ सकते हैं, अपने आप को उसमें एनरोल कर सकते हैं। तो अब जैनिस बुक के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं बेटा। शुरू में मैंने आपको बताया था आगम ये किताबें कहलाती हैं, तो जैनिज्म के अंदर जो किताबें हैं वो बेटा वो 12 बुक्स हैं पूरी, जिन्हें हम लोग आगम बोलते हैं, ठीक है। फर्स्ट है भगवती सूत्रा, जिसमें आपके एक्सप्लेन करा गया है महावीरा की पूरी लाइफ को, ठीक है। इसके बाद सेकंड बुक है आपके कल्पा सूत्रा, जिसमें आपके पूरे जैनिज्म की हिस्ट्री को बताया गया है। और कल्पा सूत्रा बेटा याद रखिए, ये आपके प्राकृत लैंग्वेज में है, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट, यस यस, हिस्टोरिकल बुक्स में बेटा देखा जाए, अब आपके रिलीजियस बुक बेटा लगभग कंप्लीट हो चुकी है, अब हिस्टोरिकल बुक को देखते हैं, ठीक है। हिस्टोरिकल बुक में सबसे पहले आपको अर्थशास्त्र मिलेगी, तो अर्थशास्त्र किसने लिखी, अर्थशास्त्र चाणक्य ने लिखी। चाणक्य के बारे में दो तीन इंपॉर्टेंट बात बेटा समझिए, चाणक्य को कौतल्या बोलते हैं और विष्णुगुप्ता बोलते हैं। जब मैं आपको मौर्यास पढ़ाऊंगा तो उसमें पूरे चाणक्य को बहुत अच्छे से हम लोग डिस्कस करेंगे। और रत्नागिरी ये किताब है जो कल्हाना ने लिखी है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट बुक इज बेटा चचनामा, जिसे आप लोग फतेहनामा के नाम से भी जानते हैं, इट इज रिटन बाय अली अहमद शाह। नेक्स्ट इज अष्टाध्यायी, जो पाणिनि ने लिखी है। नेक्स्ट है आपके गार्गी समिति, जो आपके कल्याण ने लिखी है। नेक्स्ट है आपके महामत्स्य, जो आपके पतंजलि ने लिखी है, ठीक है। इसके अलावा बेटा कुछ आपके फॉरेन ट्रेवलर्स हैं, जैसे सबसे पहले आपको बताया ग्रीक रोमन होते हैं, फिर चाइनीज होते हैं, फिर अरबिक, फिर उसके अलावा दूसरे कुछ यूरोपियंस ट्रेवलर्स भी आएंगे। तो ग्रीक रोमन में आप देखा जाए बेटा, सबसे पहले आपको क्या मिलेगा, हेरोडोटस मिलेंगे, जिन्होंने किताब लिखी थी हिस्टोरिया, जो मैंने आपको शुरू में बताया था। फिर इसके अलावा मेगाथनीज मिलेंगे आपको, जिन्होंने इंडिका नाम की एक बहुत इंपॉर्टेंट किताब लिखी। और इसके अलावा आपको टॉलेमी मिलेंगे, ठीक है। यहाँ पे थोड़ी स्पेलिंग एरर हो गया बेटा, तो याद रखिएगा टॉलेमी, ठीक है, PTOLEMY, टॉलेमी, जिन्होंने किताब लिखी है ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। इसके अलावा बेटा फॉरेन ट्रेवलर्स की बात करी जाए, तो सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट चाइनीज ट्रेवलर्स की बात करेंगे, जिनमें आपके आते हैं फाहियान। तो फाहियान आपके गुप्ता डायनेस्टी के अंदर पाए गए थे। इसके अलावा देखा जाए गुप्ता रीन के बारे में उन्होंने लिखा था, गुप्ता के जो टाइम पीरियड था उनके बारे में लिखा था, और इनकी जो किताब थी उनका नाम था रिकॉर्ड ऑफ बुद्धिस्ट किंगडम, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट हुइसांग, हुइसांग के बारे में बेटा ये देखा जाता है कि ये आपके कब पाए गए थे, कब इनका अराइवल हुआ था इंडिया में, तो 518 AD में, और आपके 15 साल तक रहे थे,
और ये हर्षवर्धन के टाइम पीरियड में रहे थे। तो यहाँ बेटा मैं आपको एक होमवर्क क्वेश्चन दूंगा जो आप सब लोग मुझे बताएंगे, ठीक है, कौन सी किताब थी जो हुइंग सांग ने लिखी थी, विच बुक इज रिटन बाय द चाइनीज ट्रेवलर हुइंग सांग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, तो अब यहाँ पे थोड़े अरबिक जो राइटर्स रहे उनके बारे में थोड़ा देखते हैं बेटा। तो सबसे पहले आएंगे अल बिरूनी। तो अल बिरूनी किसके टाइम पीरियड में आए थे बेटा, मोहम्मद गजनी के टाइम में आए थे। इनकी जो किताब है उसको किताबुल हिंद या तहकीक हिंद भी बोलते हैं, जो कि है आपके अरबिक लैंग्वेज में, ठीक है, अरबिक लैंग्वेज में है। नेक्स्ट नेक्स्ट इज द इब्न बतूता, ये आपके मोरक्को से आए थे। इन्होंने जो किताब लिखी है उसको रेला बोलते हैं। इट वॉज अट्रैक्टेड बाय रेपुटेशन ऑफ द मोहम्मद बिन तुगलक। और जब ये इंडिया आए तो मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पीरियड को देखा, मतलब मोहम्मद बिन तुगलक को जब देखा एज ए किंग तो उससे ये बहुत ज्यादा इंप्रेस हुए। तो बहुत सारी चीजें इन्होंने मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में लिखी, मोहम्मद बिन तुगलक के कोर्ट में इनको बहुत इज्जत मिली और इसीलिए इन्हें पूरे कह सकते हैं दिल्ली सल्तनत में काजी का टाइटल भी इन्हें दिया दिया जाता है, ठीक है। काजी का मतलब होता है जज। तो ये याद रखिएगा किस अरबिक ट्रेवलर को काजी का टाइटल मिला था, तो इब्न बतूता बेटा, ये चीज याद रखिएगा, ठीक है। चलिए तो यहां पे बेटा ये हमारी स्लाइड्स पूरी होती हैं। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। वैदिक एज इंपॉर्टेंट सोर्सेस इंपॉर्टेंट लिटरेचर बुक्स के साथ आज हमने कवर कर लिया। जितने भी इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू थे, जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे, वो सब आपको बताए, ठीक है जी। बेटा मेंटी क्विज में टॉपिक वही है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता रहा हूँ। टॉपिक्स तो नहीं है, वो आपके लिए क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो एक तो दो फायदे जो बेटा मैंने आपको शुरू में ही बताया, एक आपकी लर्निंग हो जाएगी बहुत अच्छी, रोज आप लगभग लगभग 20-20, 30-30 क्वेश्चंस को सीखेंगे, ठीक है। और दूसरी चीज, जब उन क्वेश्चन को सीखेंगे तो साथ में आपकी जो तैयारी है मजबूत हो जाएगी बहुत ज्यादा, ठीक है। और दूसरी चीज, आपकी अर्निंग तो रहेगी। यस, तो मैं मेंटी क्विज के बारे में थोड़ा आपको बता दूं किस तरीके से आप मेंटी क्विज को ज्वाइन कर सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना बेटा, आपको गूगल पे जाना है, सिंपल आपको गूगल पे जाना है, ठीक है। आपको गूगल पे जाना है और आपको सर्च करना है मेंटीमीटर, ठीक है, आपको मेंटीमीटर पे जाना है। यस, आई शो यू बेटा, वेट, mentimeter.com, गूगल पे जाना है और आपको सर्च करना है mentimeter.com। यस, यहां पर आप देख सकते हैं इस तरीके से आपको मेंटीमीटर मिल जाएगा। अगर मिलेगा नहीं तो नॉर्मली आप सर्च कर सकते हैं, यू कैन राइट लाइक दिस मेंटीमीटर, ठीक है। तो मेंटीमीटर आपका कुछ इस तरीके से ओपन हो जाएगा। आपको यूट्यूब पे, पहली इंपॉर्टेंट चीज ये चीज याद रखिएगा, आपको मेरे साथ यूट्यूब पे भी कनेक्ट रहना है। उसके अलावा सेकंड स्लाइड में आप अपने गूगल को ओपन कर लीजिएगा और वहां आपको इस तरीके से मेंटीमीटर मिलेगा। तो जस्ट कुछ नहीं, आपको मेंटीमीटर पे क्लिक करना है। आफ्टर द क्लिकिंग ऑन द मेंटीमीटर, ठीक है, आपको कुछ इस तरीके का आपको फेस दिखेगा, इस तरीके का आपको पेज ओपन होकर आ जाएगा आपके मोबाइल स्क्रीन पर। आपके जो डिवाइसेस हैं आपको कुछ इस तरीके से वहां पे पेज ओपन करके मिल जाएगा, ठीक है। तो मैं आपको जो कोड बताऊंगा उस कोड को आप यहां पर एंटर कर दीजिएगा, यहां पर आप अपने उस कोड को एंटर कर दीजिएगा जो यहाँ पे डेमो की तरह यहाँ पर लिखा है, लाइक दिस 1 2 3 4 5 6 7 8। ये सपोज करिए यहाँ पे कोई भी कोड लिखता हूँ, ठीक है, जैसे ये मैंने लिखा, ठीक है। अब इसके बाद जब आप ज्वाइन कर लेंगे यहाँ से, तो यहाँ पर आपका जो नाम है वो आ जाएगा, आपकी स्ट्रेंथ आ जाएगी, कितने लोगों ने इस मेंटी को इसको ज्वाइन कर लिया है। और वहीं पे आपके क्वेश्चंस आते रहेंगे जो आप नॉर्मली जस्ट जैसे ऑनलाइन टेस्ट आप लोग देते हैं, किसी भी टिक मार्क वाला क्वेश्चन देते हैं, तो वहां पे आप उसको चूज कर सकते हैं। तो बेटा मेंटी को इसमें कोई डाउट किसी को, मैंने आपको अभी लाइव दिखाया है कि किस तरीके से आप मेंटी को इसको ज्वाइन कर सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम है देन यू कैन आस्क, फिर हम क्लास को अपने एंड करें। अगर सभी चीजें क्लियर है तो बेटा जल्दी से मुझे कमेंट्स में बताइए थम इंप्रेशन के साथ।
उस्मान, यस सॉरी उमरा, गुड। जी जी मरियम, कल रहेगा टेस्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे, हिस्ट्री से रहेंगे, ज्योग्राफी से रहेंगे, ठीक है, जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो रहेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं वो रहेंगे, और आप लोगों की तैयारी को बेहतर से बेहतर बनाया जाएगा बेटा इन इन क्विज से, ठीक है। चलिए, सो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने यह जवाब दिया है, आपको कुछ सेकंड्स मिलेंगे, यस आपको कुछ सेकंड्स मिलेंगे, उन सेकंड्स में आपको वो क्वेश्चन करना करना पड़ेगा, ठीक है। एक्यूरेसी भी देखी जाएगी, क्योंकि एमयू में आपको 2 घंटे के अंदर 100 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं विद रीजनिंग, रीजनिंग में थोड़ी कैलकुलेशन भी होती है, तो ये चीज एक और आपके लिए हिडन बेनिफिट है बेटा इसमें, कि जब आप कुछ सेकंड्स के अंदर आंसर्स को देंगे, जब आप कुछ सेकंड्स के अंदर आंसर्स को देना सीख जाएंगे, तो आपको टाइम के हिसाब से क्वेश्चंस करना भी आ जाएगा, तो ये भी आपके लिए एक हिडन बेनिफिट है जो मेंटी क्विज के अंदर है, लर्निंग के साथ साथ अर्निंग, और उसके अलावा आपको टाइम मैनेजमेंट भी आ जाएगा कि आपको कितनी जल्दी किस क्वेश्चन का आंसर देना है, जो आपको रियल एंट्रेंस एग्जाम में बहुत हेल्प करने वाला है। चलिए, सब कुछ लाइव रहेगा फरा। चलिए, सो थैंक यू सो मच बेटा, बहुत अच्छा लगा, आप सब लोग कनेक्ट रहे, आपने बहुत सारी चीजें देखी यहाँ पे, ठीक है, तो अपनी पढ़ाई को ऐसे ही बेटा और अच्छा बनाइए, और ऐसे ही बहुत सारे लेक्चर्स, बहुत सारे इंफॉर्मेटिव वीडियोस, बहुत सारे क्विज YSE आपके लिए लेकर आएगा बेटा, जो प्रॉमिसेस हैं वो आपसे फुलफिल करे जाएंगे, और आपकी बिल्कुल पढ़ाई को एकदम से एकदम पुख्ता बना दिया जाएगा, ठीक है, और इंशाल्लाह आपका हमारा यही टारगेट है, विद रैंक बाइज़त हम लोग एमयू में बैठे हैं, और एमयू में जो हमारे सपने हैं, जो भी किसी कोर्स में हम लोग एनरोल होना चाहते हैं, उन सपनों को हम पूरा करें, ठीक है बेटा। चलिए, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, अल्लाह हाफिज़।